जय हिंद के ये लाखों रुपये की अहमत कुछ नहीं है वो एक रुपये के आगे जो माँ स्कूल जाने के वक्त दिया करती थी गौर से देखा करो माँ बापों की आंखों पे वो आयना होता है जिसपे बच्चा कभी बूढ़ा नहीं होता है तो हैप्पी मदर्स डे स्वागत है आप लोगों का इंडिया ई बुक के वीकली करंट अफेयर्स के सेशन नंबर अठारह पे तो आज की कक्षा सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम साथ साथ ही यूपीएससी का प्रीलिम्स या किसी भी स्टेट पीसीएस का एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है द सोर्सेस ऑफ दिस क्लास इज द हिंदू पी आई बी राज्यसभा टीवी जो अब संसद टीवी हो गया है ऑल इंडिया रेडियो इकोनॉमिक टाइम्स टाइम्स ऑफ इंडिया योजना लाइव मिंट एटसेट्रा तो नोट्स डाउनलोड करने के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक में जाके डाउनलोड कर लीजिए तो आज का सभी महत्वपूर्ण विषय देख लेते हैं एक नज़र में फर्स्ट में से लेके चार में तक जितना जितना विषय है 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 रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने टनल टनल जो उसको अवार्ड मिला है आई बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का रशीद खिदवाई पेंट पैंड न्यू बुक लीडर्स पोलिटिशियन एंड सिटीजन्स विनाय मोहन कटावरी इज अपॉइंटेड एज द न्यू फोर सेक्रेटरी हर्षवर्धन सिंगले के जगह पे मोहन कटा आए है हमारा अगला विषय है पीएम मोदी विजिटेड जर्मनी डेनमार्क एंड फ्रांस फ्रॉम सेकेंड टू फोर्थ मार्च नॉर्डिक समिट भी था कॉपेन में डेनमार्क का कैपिटल तो हमारा अगला विषय है वेल इंडिया लिमिटेड एंड डिग बॉय फॉरेस्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन एंड रिस्टोरेशन ऑफ डिग्रेटेड फॉरेस्ट लैंड पी बी सिंधु इन्स ब्रॉन्च इन एशिया बैडमिंटन चैम्पियनशिप्स मैक्स बर्सन ओन स्पोर्ट्स मैन ऑफ दर अवार्ड एट लाउर वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड स्नॉ यो पार्ट कॉन्जर्वेशनिस्ट चारूदत्त मिश्रा विंस व्हाइटली गोल्ड अवार्ड ये इनका सेकंड व्हाइटली गोल्ड अवार्ड है तो 2005 में भी उन्होंने जीता था सेम अवार्ड इंटरनेशनल लेबर डे जो फर्स्ट मै को सेलिब्रेट किया गया है एंड वर्ल्ड लाफ्टर डे जो फर्स्ट मै को सेलिब्रेट किया गया है गुजरात एंड महाराष्ट्र फाउंडेशन सिक्सटी फाउंडेशन ऑफ गुजरात एंड महाराष्ट्र फाउंडेशन फर्स्ट मै को सेलिब्रेट किया गया है एक्चुअली नाइनटीन में पहले मुंबे प्रोविंस था उस फर्स्ट मैच से पहले नाइनटीन तो फर्स्ट मै को बुम्बे प्रोविंस दो स्टेट हुआ बुम्बे प्रोविंस से एक गुजरात और एक महाराष्ट्र अगला विषय जॉइंट डिक्लेरेशन ऑन ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स साइन बिटवीन इंडिया एंड जर्मनी तो अभी अभी मोदी का जो नया सफर था जर्मनी में बर्लिन में सेकंड में को इसके दौरान ए वाला ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स का सिग्नेचर हुआ है फॉर्मर पेट्रोलियम सेक्रेटरी तरुण कपूर अपॉइंटेड एज एन एडवाइजर टू पीएम मोदी बिहार फर्स्ट ग्रीन फील्ड इथानॉल प्लांट इनोग्रेटेड बाई नीतीश कुमार द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार इथानॉल ऐसा चीज़ होता है जो पेट्रोल या डीजल का सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है एक बायोफुअल कह सकते हैं इसको आप और जो कि मतलब फूड ग्रेन्स राइस मेज शुगर केन्स से बनाया जाता है वाला ऑयल तो हमारा अगला विषय है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन हैज लॉन्च एम फिफ्टीन पेट्रोल ऑन पायलट बेसिस इन आसाम सिर्फ पेट्रोल नहीं डीजल का भी मिथानॉल के साथ ब्रांडिंग हुआ है और आसाम में लागू किया गया है पहले मतलब तीन चुकिया में मिथानॉल का अवेलेबिलिटी है इसलिए तीन चुकिया में पायलट प्रोजेक्ट के द्वारा ये वाला स्कीम लागू किया गया है वर्ल्ड एस्तमा डे थर्ड मे को सेलिब्रेट किया गया है एंड वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे यह भी थर्ड मे को सेलिब्रेट किया गया है तो हमारा अगला विषय की और बढ़ते हैं क्या क्या विषय है फास्ट प्लास्टिक वेस्ट रिसाइल फैक्ट्री एस्टैब्लिड इन रिगदार डिस्ट्रिक्ट जो कि महाराष्ट्र में है टू रिड्यूस पॉल्यूशन अगला विषय है इंडिया हैज रिसिव्ड इट्स हंड्रेड यूनिकॉर्न एज नियो बैंक प्लेटफॉर्म ओपन जिसे ओपन मनी भी कह सकते हैं एक बैंकिंग प्लेटफॉर्म है और अभी भारत का हंड्रेड वाइकॉन बन गया है यूनिकॉर्न बन गया है यूनिकॉर्न और चीज होता है जिसमें मतलब और जिसका कैपिटल बिलियन डॉलर के ऊपर होता है वन बिलियन डॉलर हो जाता है इसे यूनिकॉर्न कहते हैं रेस्ट द रेपोट फ्रॉम फोर पॉइंट फोर जीरो आरबीआई के द्वारा स्टेप लिया गया है तो इससे इन्फ्लेशन कम होगा इंडिया सर्विस एक्सपोर्ट्स इन टी टूटी डॉलर वर्ल्ड में को सेलिब्रेट किया गया है इंटरनेशनल डे इंटरनेशनल नो डायट डे जो सिक्स में को सेलिब्रेट किया गया है रोनी ओ सलीवन विल्ड स्नोका टाइटल फॉर द सेवेंथ है साथ बार इन्होंने रोनी और सलीबन जम्मू कश्मीर डिलिमिटेशन कमीशन फाइनलाइज डिलिमिमिटेशन ऑर्डर फॉर द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इंडिया रजिस्टर्ड सिक्स पॉइंट टू परसेंट इंक्रीज इन डेथ रेट ड्यूरिंग टू थाउजेंड ट्वेंटी ट्वेंटी वर्ल्ड एथलेटिक्स डे जो सेवन मे को सेलिब्रेट किया गया है एंड बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइज राइज डे भी सेवन मे को सेलिब्रेट किया गया है अमित शाह दू मिनिस्टर ऑफ इंडिया इनोग्रेटेड थी फ्लोटिंग बॉर्डर आउटपोस्ट ऑन इंडो बांगला बॉर्डर जो भारत और बांग्लादेश के बीच में बॉर्डर है वहाँ पे क्या गया है इंडिया रिमेन्स टॉप इन टी ट्वेंटी एनुअल आईसीसी NASA आईमेंट रिसर्च साइंटिस्ट सिंथिया रोजन विंस वर्ल्ड फूड प्राइस जब ये हमारा एक एक करके सभी विषय के ऊपर चर्चा करते हैं ये देखिए ओटल टनल जो कि रोहतक में स्थित है इसको आई बी सी का अवार्ड जो होता है इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस इसका बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर अवार्ड मिला है ओटल टनल का हाइट लगभग 9.2 किलोमीटर उस किलोमीटर लॉन्ग है और उसका हाइट लगभग 10,000 फीट है और, और पीरपांचल रेंज पे स्थित है हिमालय का और मनाली एंड से लाहुल को जोड़ता है इस होटल टनल को बनाने के वजह से मतलब जो पुरस्ता था मनाली से लेके बिटवीन उसका मतलब डिस्टेंस 46 किलोमीटर से रिड्यूस हुआ है तो हमारा अगला विषय की ओर बढ़ते हैं ए बुक जो कि लिखा गया है रसीद खिदवाई के द्वारा लीडर्स पॉलिटिशियंस एंड सिटीजन्स और इस बुक को पब्लिश किया है हिटाची इंडिया ने इस बुक में मेनली पॉलिटिकल फिगर्स उसके बाद लीडर्स उसके बाद सिटीजन के ऊपर मतलब आलोचना किया गया फिल्म स्टार भी है तो पॉलिटिकल फिगर में से शेख अब्दुल्ला ज्योति बशु शीला दीक्षित राजीव गांधी एपी अब्दुल कलाम एड अटल बिहारी वाजपेयी प्रमुख है द हाउसेस सिंधिया पावर पॉलिटिक्स एंड एंट्रूग बेलॉट टेन एपिसोड्स दैट हैव शेप्ड इंडिया डेमोक्रेसी एंड ट्वेंटी फोर अकबर रोड वर अदर फेमस बुक ऑफ रशीद खिदवाई तो हमारा अगला विषय है बिनो मोहन काउट्रा इज अपॉइंटेड एज न्यू फॉरिन सेक्रेटरी इन्होंने हर्षवर्धन सिंगडे को सक्सीड किया है अष्यवर्धन सिंह के जगह पे आए हैं ये नाइनटीन एट्टी एट बच के आई एफ एस ऑफिसर रहे हैं और नेपाल पर एज ए ब्रांड एम्बेसडर काम कर चुके हैं विनय मोहन और इनको मतलब एक्सपर्टाइज़ है अपना भारत का नाइबरहुड के साथ अच्छा रिलेशन में और साथे साथ ही साथ यू चाइना एंड यूरोप के ऊपर भी बहुत एक्सपर्टाइज है इनको पी मोदी जी का विजिट नॉर्डिक कंट्रीज़ में पहले सेकेंड मई से लेके फोर्थ मई तक पहले पी मोदी बर्लिन में लैंड किए हैं थे सेकेंड मे को जर्मनी में उसके बाद इन्होंने विजिट किया डेनमार्क फिर देन फ्रांस तो बर्लिन में के बाद बर्लिन में बहुत जर्मनी के साथ इको फ्रेंडली बहुत बैठक हुआ और हाइड्रोजन एनर्जी के ऊपर भी चर्चा हुआ था और बहुत सारा हाइड्रोजन डील भी हुआ था भारत के साथ सिग्नेचर हुआ इस डील का उसके बाद थर्ड में को नॉडिक सबमिट था कॉपेनगन में तो कॉपे में बहुत बढ़िया से स्वागत हुआ था पी मोदी जी का खुद पी आए रिसीव करने एयरपोर्ट पर डेनमार्क के पी तो नॉडिक कंट्री क्या है एक नज़र पर देख लेते हैं ये देखिए नोडिक कंट्री डेनमार्क फिनलैंड आइसलैंड नॉर्वे स्वीडन तो डेनमार्क नॉर्वे स्वीडन और फिनलैंड इनको मतलब स्कैंडिनेवियन कंट्री भी बोलते हैं और स्कैंडिनेवियन कंट्री के साथ जब आइसलैंड को लगा देंगे तब नॉर्डिक कंट्री हो जाता है तो ये वाला जो समिट था नॉर्डिक कंट्री जो कपन हेगा डेनमार्क कैपिटल में हो रहा था वो सेकेंड नॉडिक इंडिया समिट था उससे पहले जो नाइनटीन टू एटीन में हुआ था वो स्टॉकहोम पे हुआ था पीएम मोदी उसके बाद भारत का विजिट रहा फ्रांस का पेरिस में मैक्रोन एम्यूल मैक्रोन से साथ मुलाकात हुआ तो हमारा अगला विषय ऑयल इंडिया लिमिटेड एंड डिगबोए फॉरेस्ट डिविजन साइंड एंड मूव फॉर कार्बन सिक्विट्रेशन एंड रिस्टोरेशन ऑफ डिग्रेटेड फॉरेस्ट लैंड ये एक इंडिया लिमिटेड का कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोजेक्ट के द्वारा प्रोजेक्ट जो है वसुंधरा उसके उसके दौरान किया जा रहा है ये वाला इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन ऑफ रिस्टोरेशन ऑफ डिग्रेटेड फॉरेस्ट लैंड का प्रोजेक्ट और जो डिगबॉ है वो पहला मतलब पहला, पहला फास्ट ऑयल डिग हुआ था भारत में और एटीन सिक्सटी सिक्स में इंडिया फर्स्ट वेल एज डाग इन एटीन सिक्सटी सिक्स इन डिग बॉय इसको बॉय सिटी को ऑयल सिटी ऑफ आशाम भी बोलता बोला जाता है तो ऑयल इंडिया लिमिटेड जो फाउंड किया गया था नाइनटीन फिफ्टी नाइन पे इट इज गवर्नमेंट ओन्ड एंटरप्राइज इट इज द सेकंड लार्जेस्ट नेशनल ऑयल एंड गैस कंपनी इन इंडिया पी सिंधु विन्स ब्रॉन्च इन एशिया बैडमिंटनशिप पी सिंधु ने ब्रांच मेडल जीता है उन्होंने सेमीफाइनल में अकानी इमागुच्छी से लॉस्ट हो गए जो जापान के हैं तो यह उनका सेकेंड एशियन बैडमिंटनशिप चैंपियनशिप का मेडल है मैक्स

गोल्ड अवार्ड इन्होंने पहला वाइटली गोल्ड अवार्ड जीता था टू थाउजेंड फाइव में को फाउंडर है बेंगलुरु बेस्ड नेचुरल कंजर्वेशन फाउंडेशन का एंड कंजर्वेशलो स्टार्टेड इंडिया फर्स्ट कम्युनिटी स्कीम टू टेड स्मॉल योर्स इंटरनेशनल लेबर डे जो इसको मे डे भी बोला जाता है वो सेलिब्रेट हुआ है फर्स्ट मे को ये देखिए ये देखिए पूरा वर्ल्ड का मैप ये देखिए तो वर्ल्ड लाफ्टर डे फर्स्ट मे को सेलिब्रेट किया गया है ये वाला जो वर्ल्ड लाफ्टर का आया है भारत से ही आया है डॉक्टर डॉक्टर मदन कटारिया ने वाला डे का शुरुआत किया था 1998 पे गुजरात एंड महाराष्ट्र स्थापना दिवस सिक्सटी सेकेंड फाउंडेशन डे ऑफ गुजरात एंड महाराष्ट्र मतलब 1960 में फर्स्ट में से पहले नाइनटीन सिक्सटी फर्स्ट में से पहले पहले बुम्बे प्रोविंस था तो बम्बे प्रोविंस से दो स्टेट निकला है गुजरात और महाराष्ट्र फर्स्ट में 1960 को तो अभी टू में सिक्सटी सेकेंड फाउंडेशन डे है गुजरात और महाराष्ट्र का तो गुजरात में जो फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया गया है है उसे कहा जाता है कहा जाता जाता गुजरात गौरव दिवस और महाराष्ट्र महाराष्ट्र में दिन तो गुजरात और महाराष्ट्र के बारे में थोड़ा सा पॉपुलेशन वाइज सेकंड मोस्ट पॉपुलर स्टेट है फर्स्ट पॉपुलर स्टेट है यूपी उत्तर प्रदेश उसका कैपिटल है महाराष्ट्र का मुंबई चीफ मिनिस्टर है उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र का गवर्नर है भगत सिंह कशवाड़ी लोकसभा का सीट है सीट है इट शेयर्स इट्स बाउंड्री विथ कर्नाटका गोवा तेलंगाना छत्तीसगढ़ गुजरात मध्य प्रदेश तो गुजरात जो कि कोस्टल एरिया है इट इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट बाई सा एरिया एंड नाइन्थ लार्जेस्ट बाई पॉपुलेशन इसका कैपिटल है गांधीनगर चीफ मिनिस्टर है भूपेंद्र पटेल गवर्नर है आचार्य दबरथ लोकसभा का सीट है ट्वेंटी सिक्स राज्यसभा का सीट है इलेवन इट शेयर्स इट बॉर्डर्स विद राजस्थान दादा नगर हवेली दमन एंड दीव महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश तो हमारा अगला विषय और बढ़ते हैं अगला विषय है ज्वाइंट डिक्लेरेशन ऑफ इंडियंट ऑन इंडो जर्मन ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स हैज बीन साइंड जो कि सेकंड मे को मोदी जी का विजिट था बर्लिन में यहाँ पे वाला और सिग्नेचर हुआ है पावर एंड न्यू पावर एंड न्यू एंड रिनोबल एनर्जी मिनिस्टर आर के सिंह एंड जर्मन मिनिस्टर ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स एंड क्लाइमेट चेंज द डिक्लेरेशन ऑन सेकंड मे ऑन बार्लिन इसमें मतलब आर के सिंह ने कहा है फिफ्ट फाइव हंड्रेड गिगावट का नॉन फॉसिल फ्यूल का मतलब प्रोडक्शन होगा बाई ट्वेंटी थर्टी और दोनों कंट्री ऑल्सो जॉइंट uh, डिक्लेरेशन का सिग्नेचर क्या है इंडेंट ऑन फॉरेस्ट लैंडस्केप रिस्टोरेशन हमारा अगला विषय है फॉरमर पेट्रोलियम सेक्रेटरी जो तरुण कपूर थे उनको अपॉइंट किया गया है एज मोदी जी एज एडवाइजर फॉर द टर्म्स ऑफ टू ईर्स ही इज द चेयरमैन ऑफ पेट्रोलियम एंड मेटेरियल गैस रेगुलेटरी बोर्ड राधा चौहान हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग

इसका प्लांट का इनोग्रेशन हुआ है तो इथानॉल टेक्नोलॉजी क्या है इसके बारे में हम थोड़ा तो सा देख लेते हैं इथानॉल टेक्नोलॉजी रेफर्स टू द टेक्नोलॉजी यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इथानॉ और इथाइल एल्कोहल आप इसे इथाइल एल्कोहल भी कह सकते हैं इथेनॉल इज बायोडिग्रेडेबल कलरलेस लिक्विड इट वांड्स मोर कम्प्लीटली देन हेल्प्स इन रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस मिशन तो एक्चुअली क्या है एक एल्कोहल टाइप ही है इथाइल एल्कोहल तो ये बायोडिग्रेडेबल हैलैसे लिक्विड है यह मतलब जो फूड प्रोडक्ट्स है जैसे फूड ग्रेन्स जैसे कि राइस मैज केन उससे बनाया जाता है और वो पूरा पूरा जलता है ये और बहुत इको फ्रेंडली है और पोल्यूशन नहीं होता है और क्लोरो जो ग्रीन हाउस गैस इमिशन मतलब रिड्यूस हो जाता है तो फ्यूल इथानॉल प्लांट ऑफर्ड बाय एक्सेल इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स आर साइंटिफिकली डिजाइन टू मीट प्रेजेंट डे रिक्वायरमेंट ऑफ द बायोफुअल इंडस्ट्री इन इंडिया ये देखिए बिहार और ये देखिए पूर्णिया कहाँ पे ये देखिए पूर्णिया बंगाल से सटा हुआ है यहाँ पे ये वाला इथेनॉल प्लांट का एस्टेब्लिशमेंट किया गया है तो अगला विषय की ओर बढ़ते हैं एम फिफ्टीन तो एम फिफ्टीन पेट्रोल क्या है ये गवर्नमेंट में एक फिफ्टीन परसेंट इथान ब्लैंड फूएल बहुत पेट्रोल एंड डीजल जो अभी अवेलेबल हो गया है आसाम में इसका पायलट प्रोजेक्ट शुरू की हो गया है तीन सुखिया डिस्ट्रिक्ट से जिसमें मतलब वो ये इथेनॉल और एम फिफ्टीन ऑयल सेम नहीं है इथेनॉल अलग चीज़ है इथेनॉल पूरा फूड ग्रेन्स से मतलब ऑयल बनाया जाता है और जो एम फिफ्टीन है उसमें पुराना जो पेट्रोल है या डीजल है उसके साथ मतलब फिफ्टीन परसेंट मतलब मिथानॉल मिक्स किया जाता है मिथानॉ एम मिथानॉल इसलिए फिफ्टीन परसेंट मिथानॉल मिस यूज़ करने के लिए इसे एम फिफ्टीन बोलते हैं एम फिफ्टीन तो इससे क्या होता है जो मतलब पोल्यूशन कम होता है गाड़ी धुआं कम देता है पोल्यूशन कम होता है वही मेन तो आसाम में शुरू हुआ है इसका पायलट प्रोजेक्ट तिनचुकिया में क्यों शुरू हुआ है एक्चुअली तिनचुकिया में मिथानॉ का अवेलेबिलिटी है तिनचुकिया के पास ही सभी ऑयल रिफाइनरी है और मिथानॉल भी वहाँ पर अवेलेबल है हमारा अगला विषय वर्ल्ड एस्थमा डे थर्ड मे को सेलिब्रेट किया गया है वर्ल्ड दशतम डे तो हमारा अगला विषय वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 2022 जो थर्ड मे को सेलिब्रेट किया गया है यूनेस्को के द्वारा सेलिब्रेशन होता है तो इसके इसके बारे में मतलब इस साल का जो थीम था वो था जर्नलिज्मा डिजिटल तो एज पर वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स मतलब एक वर्ल्ड का प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आता है तो टू का जो इंडेक्स था उसमें भारत का स्थान था वन फोर्टी में भी भारत का स्थान वन फोर्टी टू था यह कहता हूँ देखिए भारत का स्थान पहला स्थान अभी 2021 में नॉर्वे दूसरा स्थान में फिनलैंड तीसरा स्थान में स्वीडन और भारत का 2020 में भी 142 142 और अभी 2021 में भी भी लेकिन रुकिए 2022 का लिस्ट आ गया है 2022 में भारत का और आठ पोजीशन नीचे गया है वन फिफ्टी हुआ है बहुत खराब स्थिति है तो प्रेस का फ्रीडम आप लोग समझ रहे हैं क्या हाल है भारत का तो अगला विषय केवर बढ़ते हैं प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रिसाइकलिंग फैक्टरी रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट टू रिड्यूस पोल्यूशन ये कोपिली एरिया में जो फैक्ट्री है इसे डाला गया है और इसका एरिया लगभग टू थाउजेंड स्क्वायर किलोमीटर है एंड रिसाइकल होगा इसमें सिक्स हंड्रेड किलोग्राम प्लास्टिक वेस्ट एवरी डे और ये जो प्रोजेक्ट है ये एक फिनिश मतलब फिनलैंड का कंपनी के साथ इन्वेस्ट किया है इस प्रोजेक्ट में नाइन्टी मिलियन रुपीज इस फिनलैंड का कंपनी का नाम है हुता माखी इट इज एस्टैब्लिश दार्ट ऑफ हुखी फाउंडेशन क्लोज द लुप इनिशिएटिव तो हमारा अगला विषय की ओर बढ़ते हंड्रेड ओपन जो कि वर्ल्ड्स जो कि भारत का मतलब हंड्रेड यूनिकॉन है वो ओपन नियो बैंक का प्लेटफॉर्म ओपन मनी कह सकते हैं ये भारत का हंड्रेड यूनिकॉन हो गया है तो बहुत सारा यूनिकॉन है भारत का अभी देखिए पुराना ये लिस्ट है तो हम न्यू के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं बंगालुरु बेस्ड है नियो बैंक प्लेटफॉर्म बिकम द हंड्रेड यूनिकॉन ऑफ इंडिया इसमें रीच किया है वन बिलियन डॉलर तो इसका सीरीज डी राउंड फंडिंग में इसका टिकर ग्लोबल बहुत सारे एग्जिस्टिंग फाउंडर थे आई के द्वारा फंड रेस किया था और गूगल वीज़ा जापान का सॉफ्ट बैंक ने भी इसमें हंड्रेड मिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया था सिक्स मंथ्स पहले तो भारत ने अपना हंड्रेड यूनिकॉर्न सेटअप कर लिया है तो कुछ यूनिकॉर्न्स के लिस्ट देख लेते हैं यूनिकॉन और कंपनी होता है जिन्होंने मतलब वन मिलियन डॉलर यूएस डॉलर कैपिटल रीच कर लिया है जैसे कि ड्रीम इलेवन करेट फार्मासी बिग बास्केट रजर पे रजर पे के बारे में हमारा पिछला लेक्चर में बताए थे अन एकेडमी पॉलिसी बाजार अर्बन कंपनी फ्लिपकार्ट जोमेटो उड़ान कार्स ट्वेंटी फोर ग्रो बाई जू ओयो इन मोबी पेटीएम और भी बहुत सारे हैं आप लोग खुद से रिसर्च करिए कीजिए आपका असाइनमेंट आपके लिए पूरा हंड्रेड्स यूनिकॉन्स का लिस्ट निकालिए अगर आप लोग क्रिकेट के बारे में क्रिकेट का फैन है तो क्रिकेट के बारे में भी आई के बारे में भी एक सवाल है आई का कौन सा टीम भारत का यूनिकॉर्न है आपके लिए ऑप्शन है मुंबई इंडियंस चेन्नई सुपर किंग्स नैन ऑफ द एहबाब ऑल ऑफ द एहबाब तो कमेंट में इसका आंसर कीजिए जो आई पी एल लबर्ट्स है उनके लिए है क्वेश्चन मैं फिर से दोहराता हूँ विच ऑफ द फॉलोइंग आई पी एल टीम इज द यूनिकॉर्न ऑफ इंडिया मुंबई इंडियंस ऑप्शन ए ऑप्शन बी चेन्नई सुपरकिंग्स ऑप्शन सी नान ऑफ द एहबाब ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एहबाब तो अगला विषय बढ़ते आर बी आई इंक्रीज रेपो रेट बाई फोर्टी बीपीएस तो क्यों आरबीआई ने रेट इंक्रीज किया रेपो रेट रेपो रेट क्या होता है आरबीआई के एक टूल होता है रेपो रेट जिसके द्वारा जब इन्फ्लेशन होता है तभी आरबीआई अपना रेपो रेट को इंक्रीज करके इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का कोशिश करता है तो जब भी मतलब रेपो रेट इंक्रीज होता है तभी मार्केट मतलब आर के पास बैंक के पास पैसा नहीं आता है तो मार्केट में पैसा जाता है मतलब लोग लो के सेविंग्स कम करते हैं तभी सेविंग्स ना करके मार्केट में पैसा निकलता है तो इसे करके धीरे धीरे करके इन्फ्लेशन कम होता जाता है तो अगला विषय की ओर बढ़ते हैं इंडिया सर, इंडिया सर्विस एक्सपोर्ट्स इन 2021 थाउजेंड ट्वेंटी टू रिस्ट टू फिफ्टी फाइव डॉलर 255 बिलियन यूएस डॉलर जो कि पिछले साल था टीन यू एस डॉलर तभी हुआ है भारत का सर्विस एक्सपोर्ट तो अगला विषय फिफ्थ मे को वर्ल्ड पुलमुनरी हाइपर टेंशन डे सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड पुलमुनरी हाइपर टेंशन डे फिफ्थ में पुलमुनरी हाइपर टेंशन ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप सेलिब्रेट वर्ल्ड पुलमुनरी हाइपर टेंशन डे एवरी ईयर फिफ्थ में तो ये भाला पहले शुरुआत किया गया था फ्रांस का मद्रिद से इन टू थाउजेंड ट्वेल्व तो क्या है पुलमुनरी हाइपर टेंशन डिजीज़ एक्चुअली एक डिजीज़ है जो मतलब हाई ब्लड प्रेशर के कारण होता है और टेंशन टाइप जो जो हमारा भीन रहता है आप धमनी सिरा धमनी कह सकते हैं आर्टरीज जो रहता है लांस का तो उसमें मतलब प्रॉब्लम होता है तो ब्लड वेसल जो होता है वो नैरो हो जाता है ब्लॉक हो जाता है कभी कभी डिस्ट्रॉय भी हो जाता है तो हमारा अगला विषय इंटरनेशनल नो डाइट डे सिक्स में को सेलिब्रेट किया गया है एवरी ईयर सिक्स में इंटरनेशनल नो डाइट डे इज़ ऑब्जर्व टू रेज अवेयरनेस अबाउट कॉन्सिक्वेंस ऑफ डाइटिंग इट इज़ डेडिकेटेड तो टू एनकरेजिंग ए हेल्थी वे ऑफ लाइफ द डे इज ऑब्जर्व टू टैकल द इशूज रिलेटेड टू डाइट एंड बॉडी अवेयरनेस इन नाइनटीन फर्स्ट इंटरनेशनल नो डाइट डे वॉर सेलिब्रेटेड इन यूके एंड इट स्टार्टेड बाय मैरी इवेंट्स तो हमारा अगला विषय के और बैठते है वर्ल्ड स्नोकर का टाइटल जीता है रोनी ओ सुबन ने उन्होंने इनका ये सातवां टाइटल है देखिए ये है रोनी ओ सलीबन इन्होंने पहला टाइटल जीता था टू पे दूसरा टाइटल जीता था टू पे तीसरा टाइटल 2012, 2013 एंड 2020 थाउजेंड ट्वेंटी में छठा च्चार, छठा टाइटल अभी टू थाउजेंड में इनका सातवां टाइटल है स्नोकार का स्नोकार या बिलियार्ड जो गेम होता है तो वर्ल्ड स्नोकार चैंपियनशिप एक एनुअल स्नोका टूर्नामेंट है जिसको फाउंडेशन हुआ था नाइनटीन में ये इंग्लैंड में खेला जाता है इट बिकम द नॉकआउट टूर्नामेंट इन नाइनटीन ये नॉकआउट हो गया था 1969 से पहले ऐसा नॉकआउट नहीं था तो हमारा अगला विषय की ओर बढ़ते हैं जम्मू कश्मीर का डिलिमिटेशन हो गया है जम्मू कश्मीर डिलिमिटेशन कमीशन फाइनलाइज डिलीमिटेशन ऑर्डर फॉर यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर तो जम्मू कश्मीर में टोटल नाइन्टीटी सीट में से जम्मू को मिला है 43 और नाइन जो एस सीट है तो इनमें से छ सीट मिला है जम्मू को एस टी सीट और शिड्यूल ट्राइब और छह तीन सीट मिला है कश्मीर को एस टी का अगला विषय है इंडिया रजिस्टर्ड सिक्स परसेंट इंक्रीज इन डेथ रेट ड्यूरिंग टू थाउजेंड में भारत का डेथ रेट बहुत ज़्यादा हो गया था एक्चुअली इसका रीज़न सिर्फ कोविड नाइन्टीन नहीं है बर्थ uh, रेट भी इशू है तो बर्थ रेट बहुत कम हो गया था जैसे कि आप देखिए 2.4 परसेंट डिक्रीज़ हुआ था बर्थ रेट में और डेथ रेट में इंक्रीज़ हुआ था 6.2 पॉइंट टू परसेंट कोरोना की वजह से ही कह सकते हैं आप 6.2 परसेंट जो इंक्रीज़ हो गया था ऐसे जैसा नॉर्मल

तो ये जो इंदो बंगला बॉर्डर का जो का जो सिक्योरिटी देने के लिए छह स्मॉल बोर्ड्स को यूज किया गया है इन छह बोर्ड्स का एक एक का कॉस्ट है थर्टी एट करोड़ रुपीस और ये वाला बोर्ड जो डेवलप किया है वो यूज किया जाएगा मतलब इन इन्फाल्टेशन एंड स्मगलिंग को रोकने के लिए और कोची शिप के द्वारा बिल्ड किया गया है इन चारों शिपो का मतलब इन शिपो का नाम है सेटलाइज का बेरियर नर्मदा दिस फ्लिट्स बॉर्डर पोस्ट आर इक्विप्ड विथ मॉडर्न फैसिलिटीज एंड सेफ्टी इक्विपमेंट जो तीनों आउटपोस्ट है तीनों आउटपोस्ट का नाम क्या क्या है कावेरी नर्मदा सेटलाज ये तीनों आउटपोस्ट का नाम है तो हमारा अगला विषय की ओर बढ़ते हैं एनुअल आईसीसी रैंकिंग जिसमें ऑस्ट्रेलिया का रैंक नंबर वन है टेस्ट में इंडिया का नंबर वन है टी ट्वेंटी क्रिकेट में न्यूजीलैंड का नंबर वन है वनडे क्रिकेट में तो हमारा अगला विषय है नाशा का क्लाइमेट रिसर्च साइंटिस्ट सिंथिया रोजन उन्स वर्ल्ड फूड प्राइस वर्ल्ड एथलेटिक्स डे जो कि सेवेंथ मे को सेलिब्रेट किया गया है और बोडा रोड्स का राइजिंग डे बोडा रोड्स एक्चुअली फॉर्म हुआ था सेवन में 1960 को इसका हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली पे तो अभी इसका सिक्सटी थर्ड राइजिंग डे है बॉडर रोड्स का बोडा रोड्स एक पाइव इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में पाइम है बॉडर रोड्स तो यहाँ पे आज का कक्षा समाप्त करते हैं तो इंडिया ई बुक के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद जय भारत एंड फाइनली गॉड ब्लेस यू ऑल